everyone, welcome back to Buckle Up and Explore. My name is Nidhi Chauhan and welcome to another travel vlog. So, इसमें I am going to Lonavala. I know कि I keep going to Lonavala, but that's because बाकी पहाड़ों पे पता नहीं मैं कब जा पाऊंगी. And जो बारिश हो रही है ये टाइम पे तो इस बार तो जा भी नहीं सकते. We have to stay away from all those पहाड़. तो the most safest पहाड़ around Mumbai is Lonavala. तो I am going there, but the stay is amazing. तो मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ एंड आपको डेफिनेटली ये प्लेस जाना चाहिए. बट आज का दिन है रेनी डे. सो लास्ट टाइम जब मैं लोनावला गई थी वो टाइम पे तो बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी थी. इस बार आई होप अच्छा मौसम हो. तो कम लेट्स गो. तो जैसे मैंने आपको बताया कि संडे है एंड यू नो संडे के दिन ऑपोजिट साइड यानी मैं मुंबई से लोनावला जा रही हूँ इसलिए इतना खाली है वाशी ब्रिज. देन दिस इज़ अगेन द हाईवे. ये कभी इतना खाली नहीं रहता है एंड इट इज़ एम्प्टी. फाइनली लोनावला के यहाँ पे थोड़ी बारिश मिल गई है एंड ऑन एंड ऑफ सुबह से बारिश हो रही है. सो आई जस्ट होप कि ऐसे ही मौसम रहे, अच्छा रहे एंड ठंडा ठंडा ही रहे बिकॉज लास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी. सो वी आर फाइनली हियर. दिस इज़ पिकाडेल. नाउ ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल है ऑन गूगल इसलिए आई डेंट शो यू द वे. बहुत ही आसानी से आप पहुँच सकते हैं एंड कुमार रिजॉर्ट्स के जस्ट ऑपोजिट है ये. नाउ इट इज़ सच अ ग्रैंड एंट्री हियर. देख के ही ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत मज़े आने वाले हैं. सो दे ऑल्सो हैव अ रिजॉर्ट इन साइड यानी पूल भी है, स्विमिंग पूल और रिजॉर्ट भी है. सो फर्स्ट लेट मी पार्क, शो यू ऑल द रूम एंड देन वील गो. बाकी और क्या क्या अमेनिटीज़ हैं इनके पास वो सब देख के मैं बताती हूँ. सो दिस इज़ देयर एंट्रेंस. काफ़ी अच्छा एंट्रेंस है लाइक आई टोल्ड यू. एंड संडे है इसलिए सबका चेकआउट हो रहा है मोस्टली एंड वी आर चेकिंग इन ताकि ज़्यादा लोग नहीं रहेंगे तो हर चीज़ में यू नो स्पेस रहेगा एंड यू कैन हैव फन टू योर फुलेस्ट. तो दिस इज़ द एंट्रेंस पार्ट. वेरी वेरी कॉर्डियल स्टाफ, वेरी गुड स्टाफ एंड एंट्री पे दे ऑल्सो हैव अ वेलकम ड्रिंक सो दे गिव यू दैट. फिर उसके बाद आप लिफ्ट में जाते हैं. यू डोंट हैव टू कैरी योर बैग. दे टेक इट फॉर यू पहले ही ऊपर एंड दे पुट इट इन योर रूम. फिर उसके बाद व्हेन यू गो अप यू कैन गो एंड फाइंड योर रूम और दे विल टेक यू अप वॉट एवर. तो हम लोग रुके थे नीचे रिकॉर्ड करने के लिए. सो दिस इज़ हाउ द फर्स्ट फ्लोर लुक्स लाइक. कितनी अच्छी लग रही है. दिस इज़ माय रूम. नाउ कम आई विल टेक यू अलोंग. आई ट्राई टू ओपन इट बाहर. सो जब एंट्री करते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी गुड. आई मीन अभी थोड़ा डार्क हो जाएगा यहाँ पे बिकॉज लाइट्स बंद है बट इट्स गोइंग टू बी लुकिंग वेरी गुड. कम आई शो यू. इट इज़ अ वेरी वेरी स्पेशियस रूम. एग्जीक्यूटिव रूम है ये एंड इसका इतना सेट आउट जगह है, वर्केशन के लिए जगह है, ये बाहर बैठने की जगह है एंड यहाँ का जो व्यू है ये मेन रोड का ही है जहाँ से हम अंदर आए थे. सो वेरी नाइस एंड काफ़ी अच्छा स्पेस दिया गया है रूम में. कुछ कुछ रूम्स पता है बहुत छोटे होते हैं. दिस इज़ नॉट लाइक दैट. दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स बाय मेरिटास इन लोनावला एंड इट इज़ वेरी वेरी स्पेशियस, वेरी वेरी गुड. दिस इज़ दियर बाथरूम. वेरी क्लीन एंड गुड अमेनिटीज़. सब कुछ एकदम क्लीनली अच्छे से रखा गया है. इवन द ग्लास डोर्स. ओके सो अभी हम लोग नीचे आए हैं टू गो फॉर लंच. मतलब प्रॉपर लंच करना है या क्या करना है वी आर गोइंग टू सी दैट. बट अभी लेट्स गो फॉर लंच. सो इनके खाने के रेस्टोरेंट ऐसे हैं. पिकाडोर में सुबह ब्रेकफास्ट होने वाला है तो वी आर गोइंग टू ट्राई ब्रोकली नाउ. दिस इज़ अ प्योर वेज रेस्टोरेंट. जब हम गए थे गणेश चतुर्थी थे सो प्योर वेज खाना. दिस इज़ चना मसाला एंड जीरा राइस. नाउ मैं बहुत ज़्यादा हैवी कोई रोटी, नान ये सब नहीं खा सकती थी ये टाइम पे बिकॉज यू नो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इशूज़. सो इसके लिए चना मसाला एंड वेरी प्लेन जीरा राइस दिस इज़ वॉट वी हैड एंड यही इतना फीलिंग था कि अच्छा भी रख रहा था एंड कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा था इससे. सो दिस इज़ देयर राइस एंड एज़ यू कैन सी बहुत सॉफ्ट भी है एंड प्रॉपर जीरा राइस जैसे भी है. सम प्लेसेज यू हैव दिस कड़क राइस विच इज़ वेरी वेरी बैड. तो इनका चना मसाला इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड इनका राइस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, वेरी वेरी सॉफ्ट. हमने बाद में खा के देखा है. आई डिडंट शो यू दैट बट इट्स वेरी सॉफ्ट. देन बट ऑफ दिस मसाला पापड़ बट रोस्टेड, फ्राइड नहीं, रोस्टेड मसाला पापड़. देन फॉर डिज़र्ट वी हैव सिजलिंग ब्राउनी. सो दिस इज़ लाइक अ मस्ट. मतलब
यू हैव हॉट ऑल्सो उसमें एंड कोल्ड ऑल्सो, तो एकदम परफेक्ट बैठता है वो. सो दैट इज़ वाई सिजलिंग ब्राउनी एंड आई जस्ट लव सिजलिंग ब्राउनीज फॉर सम रीज़न. एंड इनकी ब्राउनी आई एम नॉट गोइंग टू ईट एंड शो यू, बट इट वॉज वेरी वेरी सॉफ्ट. सो या सिजलिंग ब्राउनी. फिर बैक साइड में ये इनका पूल एरिया है. सो पहले स्विमिंग पूल आता है एंड बैकग्राउंड का आवाज़ मैंने इसलिए निकाल दिया बिकॉज कंटिन्यूसली म्यूजिक प्ले हो रहा है. एंड फिर वहाँ पे वाटर पार्क है. सो आई विल शो यू, दिस इज़ द रिजॉर्ट एरिया, वाटर पार्क जैसा छोटा सा है बट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन. बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, एकदम बढ़िया है. यू कैन डेफिनेटली कम योर. एंड ये वाला बेस्ट पार्ट है, जब मैं आऊँगी तो आई एम गोइंग टू कम योर एंड हैव फन इन दिस. ये वाला जो पानी गिरा है इसमें. फिर इसके बाद लेट्स गो टू द गेम जोन. नाउ गेम जोन के अंदर ये सब है, ये भी वाटर पार्क के यहीं पे है, रिजॉर्ट के यहाँ पे. दे हैव कैरम, दे हैव टेबल टेनिस, बच्चों के लिए एक है, दे हैव दिस फुटबॉल वाला, दे हैव पूल. सो ये काफ़ी अच्छी जगह है. देन इट स्टार्ट रेनिंग, तो अभी हम ऊपर जाके वी आर गोइंग टू चेंज एंड वी आर गोइंग टू कम फास्ट. सो अभी हम लोग जा रहे हैं स्विमिंग के लिए. आई हैव दिस स्विमिंग कैप क्योंकि मेरा बाल अभी कलर हुआ है एंड वहाँ के ज़्यादा क्लिप्स नहीं हो पाएंगे. अगेन लाइक आई टोल्ड यू, पानी एंड बारिश हो रही है. सो मैंने जो पहले क्लिप्स निकाला है मैं वो डाल देती हूँ एंड कम लेट्स गो. ओके, तो अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं एंड तेजस इज ऑलरेडी वेटिंग. चल, सो वी आर गोइंग टू गो आउट नाउ. आउट मतलब अभी बाहर बारिश हो रही है बट स्टिल एक बार थोड़ा घूम के आते हैं एंड फिर उसके बाद स्पा और वो सब दिखाते हैं आपको. सो चलो लेट्स गो. चलो मैडम. तेजस ने वाले डेस्क से अम्ब्रेला लिया है बिकॉज गाड़ी में अम्ब्रेला था और वो बहुत दूर था. सो नाउ वी आर गोइंग और इतनी भी ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है बट इतनी हो रही है कि जाके आने में भीग जाएंगे. तो अभी खाली मार्केट जाके आते हैं जस्ट ऐसे एक दो चीज़ें लेने के लिए. ओके, तो सॉरी बट मैं ब्लॉग करना भूल गई थी वहाँ पहुँच के बिकॉज बहुत बारिश हो रही है और मैं फ़ोन और वॉलेट पकड़ी हूँ. बट दिस इज़ वॉट वी टोक. इट्स कॉल्ड अम्बारीज कांदा लहसुन मसाला. इसको कोई भी वेज खाने में या कोई भी खाने में डाल लो, इट्स गोइंग टू टेस्ट वेरी वेरी यमी. सो इसलिए हम बहुत साल से यहीं से लेके आते हैं. सो इट्स कॉल्ड लक्ष्मी किराना, वहाँ से हमने लिया है. एंड नाउ वी आर गोइंग बैक होटल पे. अब जाके आपको स्पा दिखाते हैं एंड आज इंडिया पाकिस्तान का मैच भी है. सो अगर बाहर कोई जगह मिलती है तो वहाँ पे, अदरवाइज रूम में भी अच्छा खासा टीवी है. विल शो यू फ्रॉम देयर. सो इनके बाहर के तरफ एक और एक रेस्टोरेंट है वेजीज. सो यहाँ पे जो वाइब है ना वेजीज का, इट्स अमेजिंग. बाहर के भी लोग आ सकते हैं, अंदर भी आ सकते हैं बट दिस इज़ लाइक आउटसाइड पीपल कैन कम एंड हैव, अंदर के खा सकते हैं. वेरी एस्थेटिकली प्लेस्ड है पूरी जगह एंड आई लाइक द कलर कॉम्बिनेशन. यहाँ ओपन में दे हैव द किचन, यहाँ पे बनता है एंड देन दे टेक इट ओवर देयर. सो बहुत ही अच्छी जगह. ये जो बीच की जगह है आई जस्ट लव्ड इट. आई लव हाउ द टेबल्स आर प्लेस्ड, आई लव द चेयर्स और मतलब हर चीज़ इतनी बढ़िया है ना यहाँ की. प्योर वेज रेस्टोरेंट है बट एकदम बढ़िया एस्थेटिकली प्लेस्ड है. तो दिस इज़ द होल वेजीज रेस्टोरेंट, वेरी वेरी गुड प्लेस टू कम. यहाँ का भी खाना बहुत अच्छा है. इनका हर जगह का जो रेस्टोरेंट है खाना इज़ द बेस्ट. नाउ लेट्स गो टू द स्पा एरिया. यहाँ पे जिम भी है, गेम जोन है, स्पा है. तो स्पा में आपको वेस्ट जोन जैसे वहाँ पे दिखा रहा था, यू हैव टू कम हियर. एंड देन मैं आपको रूम्स दिखा देती हूँ इनके स्पा के. दैट इज़ ऑल्सो लाइक वेरी वेरी नाइस. दे हैव वन विच हैज़ टू बेड्स एंड देन दो सिंगल है. सो अभी जो भी अवेलेबल होगा पहले वो दिखाती हूँ. दिस इज़ लाइक द पेडिक्योर एंड फुट स्पा वाली जगह. देन दिस इज़ जहाँ पे दो बेड्स अवेलेबल है. सो दिस इज़ दैट प्लेस. एंड सिंगल भी यहाँ पे होते हैं एंड अगर कोई कपल है तो उनका साथ में होता है. देन दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे सिंगल वाला बेड है. सो वंस माई मसाज वॉज डन आई केम एंड शॉट दिस प्लेस क्योंकि उसके पहले आई फॉरगॉट. एंड द मसाज वॉज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस. दे हैव अ चेंजिंग रूम, दे हैव अ रूम टू हैव अ बाथ. तो अगर आप ज़्यादा बड़ी सर्विस लेते हैं जैसे 1 hour वाली, सो यू गेट फ्री स्पा एंड बेद करने को यहाँ पे. सो दैट इज़ वन थिंग यहाँ पे. कम आई विल शो यू इनका रेट. तो दिस इज़ द होल थिंग. दे ऑल्सो हैव अ सलोन हियर. तो अगर किसी को थ्रेडिंग, आईब्रोज, वैक्सिंग, हेयर कट तक कराना है, यू कैन कम एंड गेट इट हियर.
एंड दिस इज द स्पा के रेट्स. इट वॉज नॉट वेरी मच ऑल्सो, मतलब जैसे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होते वैसे भी नहीं है, बट इट वॉज अ गुड पैकेज. सो यू कैन कम एंड चेक दैट आउट, यू नो, वेन यू आर ऑन वेकेशन थोड़ा आराम के लिए. फिर स्पा होने के बाद इट वॉज रेनिंग अगेन, बट हमें वापस से जल्दी जाना था क्योंकि 7:30 बज गए, मैच है आज. यहाँ पे हम मैच देख रहे हैं. वी थॉट कि रूम में ही देख लेते हैं बिकॉज वी वर टायर्ड ऑल्सो, एंड स्पा के बाद अच्छा भी लग रहा था मसाज के बाद. फिर हमने ऑर्डर क्या किया है, दिस इज़ पीनट चाट. सो पीनट चाट है, दिस इज़ पनीर टिक्का, एंड उसके साथ ही देयर वाज चिली चीज़ टोस्ट. ओके, सो अभी सब खाना हो गया है एंड कल सुबह कंटिन्यू करते हैं. आई एम वेरी वेरी टायर्ड, मैच भी देख लिए हैं एंड मतलब आई नो कि मैच देखने से पहले ही आई थिंक या देखते देखते हम माइट गो टू स्लीप, इसलिए आई एम गिविंग दिस आउट्रो पहले ही. तो अभी के लिए गुड नाइट. ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो अभी है डे टू, मतलब आज मंडे है एंड आज चेकआउट है. तो आज का कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट है तो वो करने जा रहे हैं. एंड इट्स बीन अ गुड स्टे. सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूँ, इनका जो बेड है बिल्कुल भी इरिटेटिंग वाला बेड नहीं है. पता है आप कोई भी ऐसे होटल में जाते हो उनके बेड लिटरली अंदर सिंक हो जाते, ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है. सो वेरी गुड ऑन दैट, क्योंकि उसके वजह से ना बहुत बॉडी पेन होता है. सो क्योंकि वो वैसा नहीं है, बॉडी पेन बिल्कुल नहीं हुआ है, एकदम अच्छी नींद मिली थी. सो आज का दिन भी अच्छा जाएगा. एंड चलो पहले कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट दिखाते हैं आपको. नाउ द फेवरेट पार्ट, मॉर्निंग फ्री ब्रेकफास्ट. आई लव ब्रेकफास्ट, एंड ऐसा ब्रेकफास्ट स्प्रेड रहे ना तो बहुत ही मज़ा आ जाता है, बिकॉज यू गेट टू हैव अ लॉट ऑफ हेल्दी ऑप्शंस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स टू हैव एट द सेम टाइम. आई ऑल्सो लव बुफे ब्रेकफास्ट, क्योंकि उसमें साथ में सुबह सुबह डिजर्ट्स होते हैं, एंड हू डजंट लव इट. तो ये सब स्प्रेड है. इसके अलावा दे ऑल्सो हैड नॉन वेज, जिसमें अंडा बॉइल्ड एग एंड अंडा भुर्जी था, एंड पैनकेक्स. बाकी और कुछ नॉन वेज नहीं था. देन दे हैड आलू पराठा, दे हैड ग्रिल्ड पटेटोज, साबूदाना, पोहा, मेंदू वड़ा, छोटे छोटे उत्तप्पा, चटनी, सांबर, एवरीथिंग वाज वेरी वेरी नाइस. एंड दे ऑल्सो हैड स्टीम्ड इडलीज, सो एवरीथिंग वाज केप्ट एकदम हॉट. अच्छा, तो खाने में भी अच्छा लग रहा था. दिस इज़ माई ब्रेकफास्ट प्लेट, एंड बढ़िया एकदम है. दिस इज तेजस ब्रेकफास्ट प्लेट, एंड वी आर हैविंग इट विद अ व्यू. So let us have breakfast. And like I told you, how can we not eat these? फिर सुबह के टाइम पे वापस से ये तरफ आए थे, रिजॉर्ट तरफ, जो पीछे ही बाजू है आपको वहाँ से दिख रहा था. एंड ये सब पूरा प्ले एरिया है बच्चों का, देन दैट्स द रिजॉर्ट प्लेस. सुबह सुबह क्योंकि शांति थी, एंड आई थिंक ये कुछ 10 बजे रिजॉर्ट चालू होता है, इसलिए सब पानी वानी बंद था. बट दिस इज़ हाउ इट लुक्स, एंड आप देख सकते हैं कितना क्लीन है एंड कितनी अच्छे से मेनटेन करके रखा है. So you must definitely come and visit. Okay guys, so we are checking out now and अब यहाँ से हम जाएंगे टाइगर पॉइंट. तो ऐसा मतलब नहीं था दो वीडियो बनाने का, इसलिए ये एक ही वीडियो में वी आर पुटिंग एवरीथिंग. वैसे भी 15 मिनट के तो व्लॉग्स होते ही है. तो अभी टाइगर पॉइंट जा रहे हैं वो दिखा के, देन आई विल एंड दिस व्लॉग. तो टाइगर पॉइंट जाने के लिए कुमार रिजॉर्ट के बाजू में से जो गली जाती है टूवर्ड्स द वैक्स, सुनील वैक्स म्यूजियम, वहीं पे अंदर आपको जाना है. तो फिलहाल ये स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स भी है. आई डिडंट नो दैट अभी तक. तो चलो अभी यहाँ से जा रहे हैं, आगे जब पहुँचते हैं तो पहुँचने के पहले वाला आपको रास्ता बता देंगे. सो जब आप सीधा आते हैं तो शक्ति चिक्की से राइट लेके एकदम सीधा सीधा आना है, जब तक कि आपको लेफ्ट राइट का दो ऑप्शन नहीं आता है. एंड वहाँ पे दिखाएगा लेफ्ट में टाइगर पॉइंट, फिर लेफ्ट में आते ही ये सब चालू हो जाएगा, आगे पहाड़, पीछे राइट हैंड साइड में वहाँ पे लोनावला लेक था. नाउ दिस इज वेयर वी आर गोइंग फ्रॉम. तो ये तरफ या बुशी डैम तरफ ना जल्दी मैं आई नहीं हूँ, तो क्योंकि बारिश के टाइम पे इट कैन गेट अ लिटिल रिस्की इसलिए, बट बाकी दिस इज हाउ इट इज. अब जब आपको लेफ्ट लेंगे उसके बाद आपको 10 किलोमीटर सीधा सीधा चलना है, यही रास्ता ही है वो 10 किलोमीटर वाला. एंड इट्स अ वेरी वेरी नाइस सीनिक व्यू. तो चलो लेट्स गो.
सो दिस इज टाइगर पॉइंट, जैसा मैंने आपको दिखाया. एंड यहाँ आने का आज एक फ़ायदा ये है दैट फर्स्टली धूप नहीं है, एंड सेकेंड की बहुत ठंडी हवा चल रही, काफ़ी अच्छा लग रहा है. ऐसा लग रहा है लास्ट टाइम जब आई थी तो वो टाइम पर लोनावला एज अ हिल स्टेशन नहीं आई थी, बट इस बार इट्स लाइक अ प्रॉपर हिल स्टेशन वाला वेदर. तो एंड यहाँ पे आपको, मतलब ये मुंबई वालों के लिए ये प्रॉपर पहाड़ है ना, तो यहाँ पे आपको सब मिलेगा, मैगी, पकौड़ा, चाय, कॉफ़ी. सो यहाँ पे पीछे वो जो जगह दिख रही है वहाँ पे पूरा है मैगी वो सब. सो यू कैन कम एंड हैव फन हियर. ओके गाइस, तो वो था टाइगर पॉइंट एंड हमको बहुत ही मज़ा आया. बहुत सही टाइम पे हम वापस गाड़ी में आ गए बिकॉज इट स्टार्टेड रेनिंग अगेन. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, मुझे बताइए कि वेयर डू यू वॉन्ट मी टू गो नेक्स्ट. एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बाय. कीप एक्सप्लोरिंग.